हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड अ वेरी ग्रेट वेलकम अगेन टू माय न्यू व्लॉग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहता हूँ। मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और ये मेरे भाई को जो कमेंट्स हैं, ऐसे कमेंट ही आपके भाई को मोटिवेट करते हैं। तो मेरे भाइयों ने कमेंट्स अच्छे किए हैं, सो गाइज उनको दिल से थैंक यू सो मच। आपके यही कमेंट मेरे को मतलब मोटिवेट करते हैं, अच्छा फील करवाते हैं। एंड गाइज आप मेरा लास्ट व्लॉग देख सकते हो जो कि रिलेटेड है कितने एक्सपेंस आपको यूके लेके आने चाहिए जिससे आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी। जो मैंने प्रॉब्लम फेस की उसका एक्सपीरियंस आप ले सकते हो। मैंने अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर किया, जो मैंने एक्सपेंस साथ में लेके आया था, पैसे जितने पाउंड्स लेके आया था। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि जो मेरा इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस रहा यूके हैथरो एयरपोर्ट पे, क्या क्या उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछे, मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ। गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। गाइस जो फर्स्ट उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा था वो ही बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था। उन्होंने मेरा स्टूडेंट आईडी नंबर पूछा था, फिर उन्होंने मेरे से मेरा पासपोर्ट नंबर पूछा था, मेरी डेट ऑफ बर्थ पूछी थी। ये तीन सिंपल क्वेश्चन, आपको आपका स्टूडेंट आईडी नंबर अच्छे से याद होना चाहिए, आपका पासपोर्ट नंबर याद होना चाहिए, थर्ड वन आपको डेट ऑफ बर्थ तो मतलब सभी को याद होती है अपनी। फिर उन्होंने मेरे से मेरी यूनिवर्सिटी का नाम पूछा, मैंने बताया कि मैं स्टूडेंट स्टडी वीज़े पर आया हूँ, और उन्होंने मेरा कोर्स का नेम पूछा। मॉड्यूल्स उन्होंने मेरे से नहीं पूछे लेकिन आपको अच्छे से याद होने चाहिए, मतलब कुछ भी आपको पूछ सकते हैं। उन्होंने मेरे से पूछा कि आप कितनी फ़ीस अपने फिल की हुई है और कितनी आपकी रहती है। तो गाइस मेन चीज़ जो है मैंने यहाँ पे मतलब नोटिस की है, आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए भाई। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है तो भाई आप कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। ये तो बस नाम ही है, इमिग्रेशन क्वेश्चन होंगे। उन्होंने मेरे से एक और चीज़ पूछी थी, मतलब आपने अकोमोडेशन कहाँ पर बुक की है। मैंने तो NR8 नॉर्विच सिटी में अपनी अकोमोडेशन बुक की हुई थी, मैंने वो सारा अपना एड्रेस बता दिया। एक जो मेन क्वेश्चन पूछते होते हैं, आप अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद क्या करोगे, मैंने इसका आंसर दिया था कि आफ्टर कंप्लीटिंग माय स्टडी आई विल गो बैक टू माय होम कंट्री। हाँ भाई आपको मतलब यही आंसर देना है। पता तो उनको भी होता है, मतलब इन्होंने इधर रहना है, इधर काम करना है, 5-6 साल रहना है इन्होंने अपना स्टडी कंप्लीट होने के बाद, लेकिन गाइस हमने बताना ऐसे होता है। उसके बाद एक और चीज़ उन्होंने मेरे पूछी थी, आपका कोर्स कितने ईयर का, ड्यूरेशन ऑफ कोर्स। मैंने बोला 1 ईयर। जो इधर की मास्टर है इंग्लैंड की, आपको पता ही है मतलब 1 ईयर की मास्टर होती है, और वो हमारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते होते हैं, जैसे हमारा पासपोर्ट मांगते हैं, हमारा कैश लेटर मांगते हैं, हमारा कैश लेटर। हाँ भाई कैश लेटर आपके पास होना चाहिए, मतलब जो जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनका लिंक मैं मतलब नीचे राइट कर दूंगा। वो भाई आपके पास आपका जो साइड वाला बैग होता है आप साथ में, मतलब उसमें आपके डॉक्यूमेंट्स ये होने ही चाहिए, मतलब डायरेक्ट आपने निकाले उनको दिखा दी। बाकी भाई मैंने जो एक्सपीरियंस किया है भाई, एक अफवाह ही मैंने तो सुनी हुई थी, मैं भी डर रहा था ठीक है। जब मैंने उधर एक्सपीरियंस किया कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं, अगर आप जेन्युइन बंदे हो ना, आपने पूरी फीस भरी है, सब कुछ आपका लीगल काम है, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बात तो सही है। जस्ट आपको सारी आपके वीज़े के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, कितनी फ़ीस भरी, क्या क्या मेरा डॉक्यूमेंट्स लगे हुए हैं, कितनी फ़ीस भरी हुई, ये सारे मतलब जेन्युइन चीज़ें, आपको अपने वीज़े के रिलेटेड सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ये तो भाई अगर हम इंग्लैंड आ रहे हो इतनी चीज़ें तो हमें पता होनी चाहिए, हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं। हाय हाय मेरा बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा। जस्ट उन्होंने मेरे 7-8 क्वेश्चन पूछे जो मैंने आपको बता दिए, यही मेन होते हैं यार, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछते। अगर आप लीगल बंदे हो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस मैं आपको टिप एक ही देना चाहता हूँ, जो सबसे बढ़िया सबसे लास्ट है वो है आपके पास कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस और नॉलेज आपको आपके सारे स्टडी प्रीवियस स्टडी की मतलब होनी चाहिए, मतलब यार ये तो आम चीज़ें हैं भाई, अगर आपको ये नहीं याद रख सकते ना तो इधर यार। सो ठीक है गाइज आज के व्लॉग में इतना ही, सो मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में, कुछ नई बातें आपके साथ शेयर करता हूँ। एंड गाइज अगर आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो इस वीडियो से तो गाइज प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तो गाइज टाटा बाय बाय एंड जय हिंद।